उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट का आयोजन हो रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का गठन 2001 में हुआ था। इसमें भारत, पाकिस्तान, रूस और चीन समेत कुल 8 स्थायी सदस्य हैं। ये एक जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि 16 दिसंबर को हो रही है SCO समिट कई मायनों में खास है। इस समिट में पाकिस्तान के PM और चीन के राष्ट्रपति भी शामिल हो रहे। इस समिट में पहली बार पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे। इस समिट में सबकी नज़रें भारत की तरफ होंगी जब PM मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान रणनीतिक स्थायित्व, एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र और G20 देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक से पहले क्रेमलिन ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों के मुताबिक समरकंद बैठक में ईरान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान और इन दिनों भीषण सैन्य संघर्ष से उलझे अजरबैजान व आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्ष भी आएंगे। इससे पहले 2019 में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में PM मोदी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच मुलाकात हुई थी जिसे शिष्टाचार मुलाकात का नाम दिया गया था। अब 3 साल बाद यानी 2022 में दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक बार फिर एक साथ एक मंच पर होंगे। दोनों नेताओं के बीच अगर बातचीत होती है तो ये भारत पाक व्यापार के लिए काफी अहम होगा।